आपको सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए कि स्टार्टअप सक्सेसफुल हो, उसके लिए काफ़ी फंडिंग चाहिए होता है और लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना, उसको कहते हैं टाइम टू मार्केट, TTM। तो टाइम टू मार्केट जितना कम होगा, आपका प्रोडक्ट जनता जो आपका कस्टमर है वो जल्दी देखेगी और आपको एडवांटेज मिलेगा, इसलिए फंडिंग लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कोई भी रीजनेबल स्टार्टअप है, अगर आपके पास एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जिसको कहते हैं MVP, मतलब एक प्रोटोटाइप जो कि दिखा सकते हैं कि हाँ ऐसा आइडिया है, ये काम करेगा, उसके बाद जल्दी से जल्दी फंडिंग इकट्ठा करना का सोचना चाहिए। ओके, जब तक जल्दी नहीं पहुंचेंगे, फिर नहीं तो कंपटीशन के कारण आप पीछे रह जाएंगे और आपको लीड नहीं मिलेगा। लीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फंडिंग कब लेना चाहिए, इसके लिए मेरा ये मानना है कि फंडिंग सबसे जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी ले सकते फंडिंग वो ले लीजिए, ताकि आप क्या होगा, फंडिंग नहीं रहेगा तो आप अच्छे डेवलपर नहीं हायर कर सकते, बहुत मुश्किल है। और क्या है, देखिए कि कितने तरह के फंडिंग होते हैं। फंडिंग बहुत तरीके का हो सकता है। तो सबसे पहला क्या है, पर्सनल सेविंग। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई आइडिया आया, उस पर काम करना है, तो शुरू में क्या छोटा सा कुछ मान लीजिए कि एक रूम लेना है, या एक दो दोस्त से काम कराना है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट से काम करा लिए, या फॉर एग्जांपल वेबसाइट का डोमेन लेना है, ये सब छोटा मोटा चीज़ खुद के पैसे से भी बहुत लोग कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि थोड़ा अगर और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो फैमिली फ्रेंड से भी कभी कभी लोग लेते हैं पैसे। मैं यहाँ पे सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से स्रोत हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि फैमिली फ्रेंड से ही लेना, आपको जहाँ से कन्वीनियंट लग रहा है वहीं से लीजिए। कभी कभी फैमिली से लोग लेना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि फिर वो मन में ऑब्लिगेशन हो जाता है। तीसरा क्या स्रोत है, क्राउड फंडिंग। आजकल बहुत सारे वेबसाइट हैं, वहाँ पर जाइए, आप अपना प्रोडक्ट का आइडिया दीजिए और वहाँ पे आप लोग आपको फंड कर सकते हैं, और फंड के बदले आप उसको उनको अपना प्रोडक्ट का कुछ सैंपल भेज सकते हैं, या कुछ लोग टी शर्ट देते हैं, या कुछ लोग कंपनी में कुछ शेयर दे देते हैं। अलग अलग स्कीम है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा वेबसाइट पर आप जा रहे हैं, तो उससे आप क्राउड फंडिंग भी कर सकते हैं। फिर चौथा है एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका फंडिंग का सोर्स होता है, क्योंकि एंजल इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा है और वो सिर्फ आपके आइडिया पे पैसा लगाते हैं, वो एक तरह का बेट करते हैं। तो बेट करने के कारण क्या होता है कि उसमें आपको ज़्यादा पैसा कम ऑब्लिगेशन पे मिल जाता है। तो उनको अगर आपका आइडिया पसंद आ गया तो आपके वो पैसे लगा देंगे और एक कॉमन सेंस अग्रीमेंट टाइप का बना सकते हैं आप उनसे बात की, जो आपस में बन गया वही उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ज़्यादा फॉर्मेलिज्म नहीं होता उसमें। तो बहुत अगर आपको एंजल इन्वेस्टर मिल रहा है तो उनके पास ही जाना चाहिए, ये काफ़ी अच्छा रहता है। पांचवा क्या है, वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटलिस्ट लोग जो होते हैं, एक तरह का समझिए छोटा सा कंपनी टाइप का समझिए, जिनका काम है कि इन्वेस्ट करना। ओके, तो वो लोग अपना कहीं से फंडिंग, उनके पास कहीं से पैसा रहता है, या खुद का पैसा रहेगा या फिर अलग अलग बड़े बड़े लोगों का पैसा वो लोग रखते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो वेंचर कैपिटलिस्ट में पैसा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है एंजल के कंपैरिजन में, और इसमें आपको ज़्यादा आपका स्टेक देना पड़ सकता है। जैसे एंजल वाले थोड़ा आपको अच्छा डील दे देंगे, लेकिन वेंचर कैपिटल में आपको ज़्यादा परसेंटेज मांगेगा शायद। और वेंचर कैपिटल आपको, अगर आपके पास स्ट्रांग टीम नहीं है तो आपको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि वो टाइम बार बार टाइमली मैनर पे, लेकिन महीने में 6 महीने में बार बार आपसे फीडबैक मांगेंगे कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है। तो ये पहले से सोच लेना चाहिए कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और काफ़ी स्टडी करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिखना पड़ता है इसमें, बहुत सारा साइन करना पड़ता है, खुद का लॉयर हायर करना चाहिए, बहुत सारी आगे चीज़ें हैं, बहुत डिटेल का टॉपिक है, बट मैं इसमें सिर्फ समरी के देके बता रहा हूँ। और छठा क्या है, बैंक लोन। बैंक लोन में क्या होता है कि डील आपको ठीक ठाक ही मिल जाएगा, मतलब ज़्यादा बैंक इंटरेस्ट आपसे नहीं लेगा, लेकिन इसमें बहुत डॉक्यूमेंटेशन और लोन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर बैंक को समझ में नहीं आया कि आपका आइडिया वर्थ इट है या नहीं है, तो शायद बैंक आपको लोन देगा ही नहीं, और बहुत लंबा चौड़ा अमाउंट मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे प्राइवेट बैंक से मिल सकता है, जैसे ICICI हो गया, या और भी कोई प्राइवेट बैंक है, मान लीजिए बड़े बड़े सिटी में आजकल तो इंटरनेशनल बैंक्स भी हैं, तो वह भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से आपको मिल सकता है।
लेकिन इसका आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा होना चाहिए, एकदम क्लियर पाथ आपको डेमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते। एंजल इन्वेस्टर लोग रिस्क लेता है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रिस्क एंजल इन्वेस्टर लेता है, और वेंचर कैपिटल उससे कम और बैंक उससे कम। लेकिन बैंक में डील आपको अच्छा मिलेगा, जैसे उनका एक परसेंटेज होगा कि 15% इंटरेस्ट रेट ऐसा कुछ होगा, और वो फिक्स्ड होगा। लेकिन वेंचर कैपिटल में क्या होगा, वो बोलेगा कि नहीं 50% कंपनी का मुझे चाहिए, इस टाइप का ऐसा डील देगा कि आपको मुश्किल हो सकता है, आपको लगेगा कि मैं लॉस में जा रहा हूँ, ऐसा लगेगा हमेशा वेंचर कैपिटलिस्ट में। और लास्ट क्या है, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लोन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव रहता है, तो जैसे स्टार्टअप है वो स्मॉल बिजनेस में आ जाता है मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप, अनलेस एंड अनटिल आप कोई मतलब बहुत बड़ा कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसे चाहिए, लेकिन बहुत सारे आ जाएंगे। तो उसमें डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का बिजनेस है, आपको एक लमसम कुछ अमाउंट मिलेगा। तो अगर आप काम कर रहे हैं स्टार्टअप पे, तो आई थिंक आपको ये यूज़फुल लगेगा।